मौत का सामान नेपाल में उड़ान, उड़ते ताबूत बने नेपाली विमान, 30 साल में 28 प्लेन क्रैश, सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, दोस्ती इतनी गहरी कि साथ ही जिंदगी जी और साथ ही मौत के मुंह में समा गए। मरने से पहले इन चारों में से एक सोनू जायसवाल ने फेसबुक लाइव किया, हंसते मुस्कुराते चेहरों के जरिए अपने सकुशल होने का सबूत दिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। फिर कुछ ऐसा हुआ कि पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। नेपाल का ये विमान लैंडिंग से पहले ही हादसे का शिकार हो चुका था। फेसबुक लाइव के जरिए विमान हादसे की खबर गाजीपुर में मौजूद इनके दोस्तों और परिजनों तक भी पहुंच चुकी थी। काठमांडू से जो पोखरे के लिए एरोप्लेन क्रैश हुई है उसमें हमारे मित्र सोनू जायसवाल, विशाल शर्मा, अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर जो हमारे मित्रगण हैं, मतलब परम मित्र थे, हमें भी लेके जाना चाहते थे, हम लोग गए नहीं। खुलासा था, हम लोग को काम था इसलिए हम लोग गए नहीं, वो लोग गए और जो कि लाइव वीडियो बना के हम लोग सब भेज रहे थे, सब वहाँ का डिटेल भेज रहे थे। अब ऊपर वाले की जो मर्जी थी, ये हादसे हो गए। इन चार दोस्तों के अलावा उस विमान में एक और भारतीय शामिल था जिसका नाम संजय जायसवाल बताया जा रहा है। संजय जायसवाल बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे और वो भी पोखरा घूमने के लिए जा रहे थे। नेपाल के ATR सीरीज के इस विमान में कुल 68 यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें दो चालक दल के सदस्य भी थे। नेपाल उड़ान के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शुमार होता है। पिछले 30 साल में नेपाल में 28वां विमान हादसा है। सवाल है कि आखिर क्यों नेपाल में विमान उड़ते ताबूत बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट इसके पीछे कई वजह बताते हैं। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो विमान उड़ान को खतरनाक बनाती है। पहाड़ और संकरी घाटियों में विमानों को टर्न लेने में मुश्किल होती है। ऐसे में एक छोटी सी भूल विमान में सवार सभी यात्रियों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दूसरा, पल पल बदलता मौसम। पहाड़ों में मौसम पल पल बदलता रहता है जो विमानों के लिए कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पायलट नेविगेट नहीं कर पाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। तीसरा, ट्रेन्ड पायलट्स और स्टाफ की कमी। नेपाल की विमान सेवा अक्सर ट्रेन पायलट्स और स्टाफ की कमी से जूझती रही है। कई बार स्टाफ को ओवर ड्यूटी करनी पड़ती है। ज्यादा उड़ानों की वजह से पायलट भी थक जाते हैं जो हादसे का न्योता देते हैं। चौथा, हाईटेक रेडार और टेक्नोलॉजी की कमी। नेपाल में हाईटेक रेडार और दूसरी बेहतरीन टेक्नोलॉजी की कमी है। इस वजह से पायलट्स को रियल टाइम में मौसम की जानकारी नहीं मिल पाती है। पांचवा, नए विमानों की कमी। नेपाल में ज्यादातर विमान पुराने हो चुके हैं। पोखरा में क्रैश हुआ ATR-72 भी 42 साल पुराना विमान था। इतनी सारी वजहों से नेपाल के विमान अक्सर हादसे का शिकार होते हैं और ये हादसे कई जिंदगियों को निगल जाते हैं। खराब एविएशन रिकॉर्ड की वजह से ही कई देशों ने नेपाल में उड़ान पर प्रतिबंध लगा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।